नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी। 2 दशक के सबसे बड़े हादसे में 293 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की जांच CBI कर रही है। एक जांच रेलवे बोर्ड की ओर से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने भी की है। सोमवार को CRS ने 40 पेज की रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक लेवल क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्स के अंदर तारों की गलत लेबलिंग की वजह से ऑटोमेटेड सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी हुई, जो हादसे का कारण बना। क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्स में तारों की गलत लेबलिंग के बारे में सालों तक मालूम ही नहीं चला। मेंटेनेंस के दौरान भी इसमें गड़बड़ी हुई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। TMC ने कहा कि सरकार की लापरवाही से पैसेंजर ट्रेन चलता फिरता मुद्दागर बन गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन की सनक में केंद्र सरकार रेलवे सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर समझौता कर रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।